नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश जानी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, पहले तो आज सभी भाई बहनों को सॉरी बोलता हूं। मैं 2 दिन के लिए घर पे नहीं था, आउट ऑफ सिटी था। बहुत भाई बहन के कॉल आए थे मगर मैं किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों, जिन जिन भाई बहनों ने मुझे कॉल किए थे पहले, उनके सभी के जवाब मैंने वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। मगर ये आखिरी 2 दिन में जो भी भाई बहन के कॉल आए थे, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों, आज रात से आप सभी के कॉल मैं रिसीव कर पाऊँगा। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे कॉल करके अपनी परेशानी बताएं। वीडियो के माध्यम से मैं आपकी समस्या का उपाय अवश्य दूंगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉल करेंगे आप 9 बजे के बाद, 9 से 10 के बीच में आप मुझे कॉल करेंगे। दिन में मैं व्यस्त रहता हूँ पूरा दिन। दोस्तों, आपके जीवन में शनि, राहु और केतु से कोई समस्याएं आ रही है, आपके शत्रु बढ़ गए हैं, आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में बाधाएं आ रही है, आपको किसी ने बोला है आपकी जन्म पत्री देख के राहु ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है, या तो केतु ठीक नहीं है। दोस्तों, आज एक सरल उपाय आपके साथ शेयर करता हूं। 3 शनिवार आपको ये उपाय करना है, मगर 3 शनिवार के बाद राहु, शनि और केतु से जुड़ी जो भी समस्या है, तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि मेरे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये प्रयोग आप करेंगे शनिवार के दिन और सूर्यास्त के बाद। आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला भरा हुआ नारियल, ऊपर के छिलके निकाल दे आप, शिखा रखे नारियल की, शिखा रखनी है, जटा रखनी है, मगर ऊपर के जो छिलके हैं वो आप सभी छिलके निकाल दे। 3 शनिवार आप ये प्रयोग करेंगे। ये कितना बड़ा काला वस्त्र लेना है आपको, एक मुट्ठी, आपकी एक मुट्ठी में आ जाए उतना उड़द, एक मुट्ठी में आ जाए उतने काले तिल। जो आपने बड़ा वस्त्र लिया है उनमें से थोड़ा वस्त्र काट ले, एक में छोटे छोटे 2 टुकड़े अंदर से काट ले कैंची से, एक में ये उड़द रखे, एक मुट्ठी काले धागे से पोटली बना ले, दूसरे में जो दूसरा टुकड़ा है काले वस्त्र का, उसमें काले तिल रखे, पोटली बना ले काले धागे से।
एक तेज पत्ता लेना है। मैंने कल भी बोला था कि इसका सीधा कनेक्शन केतु से है, अजवाइन केतु से, तिल और उड़द, काले तिल राहु से, उड़द शनि। इस नारियल के ऊपर सरसों के तेल में एक छोटी कटोरी ले, सरसों के तेल में थोड़ा सिंदूर डाले, जो लाल वाला सिंदूर आते हैं ना वो, एक तिलक करे इसके ऊपर। काले कपड़े में नारियल रखे, वो दोनों दोनों पोटली अंदर रख दे, उड़द की और तिल की। एक तेज पत्ता भी अंदर रख दे। अच्छी तरह से नारियल को काले धागे से बांध ले अंदर। नारियल को हाथ में रख के आपके शत्रु बढ़ गए हैं तो आपके शत्रु के नाम ले, 1 2 3 जितने भी शत्रु हैं आपके उनके नाम ले। आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो कर्ज मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार में तकलीफ आ रही है, बिजनेस में बाधाएं आ रही है, तो व्यापार ठीक चलने के लिए आप प्रार्थना करें। अब इस नारियल को उल्टा अपनी बात से 9 बार उतारे, एंटी क्लॉक उल्टा। सूर्यास्त के बाद आप ये प्रयोग करेंगे, स्नान करने के बाद प्रयोग करेंगे। ये नारियल को लेकर आप सीधा बजरंग बली के मंदिर चले जाए, बजरंग बली की चरणों में रख दे नारियल को। हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम की माला करें, बजरंग बली का कोई मंत्र जानते हैं तो बजरंग बली के मंत्र की जाप करें, जो भी है, जो भी आप जानते हैं वो करें। राम नाम की माला अवश्य करें। बजरंग बली की दोनों चरणों में से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लें, दोनों चरणों में से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लें, अपनी छाती पे यहाँ तिलक करें, घर वापस आ जाए, इतना ही करना है, 3 शनिवार करना है। दोस्तों, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, अवश्य दूर हो जाएंगे। विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, उपाय करे, दिल से करे। दोस्तों, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, हमारे जीवन का कोई भी कष्ट ऐसा नहीं है जो वीर महावीर दूर ना कर सके। यूं चुटकियों में आपकी सभी समस्या दूर हो जाएगी, बजरंग बली की शरण में चले जाए आप। बस दोस्तों, आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।